इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा दिल्ली के ताज पैलेस होटल में फोर्थ ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हस्तियों को कृषि पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें 18 विशिष्ट व्यक्तियों, संस्थानों और राज्यों को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनेक उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुखिया डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा थे। उन्होंने सभी को अवार्ड देकर सम्मानित किया। आइए देखिए ये रिपोर्ट। सर, हरियाणा को आज अवार्ड मिला है, अभी आपने ग्रहण किया है, तो क्या कहें? हरियाणा को पशुपालन के क्षेत्र में स्टेट अवार्ड मिला है और हमने कई इस तरह के पीछे कदम लिए हैं, जैसे कि हरियाणा पहला देश में प्रदेश है जहां पर एचएस प्लस एफएमडी का कंबाइंड टीका लगाया जा रहा है। हमने 52 लाख पशुओं की फ़ोटो सहित सारी डिटेल सेंसस के दौरान कैप्चर की है, उसको हर पशु का ज्ञान ऐप के माध्यम से हमने किया। अब उससे हम हर पशु का ध्यान में जा रहे हैं, जहाँ पर पशुपालक की जो भी ज़रूरत है, उसको टीका चाहिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चाहिए, या उसको पशु बीमार है, वो सूचना देना चाहता है, उसको बीमा चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो बटन दबाएगा तो हमारे VLDA के पास मैसेज आ जाएगा, और VLDA उसको नहीं अटेंड करेगा तो VS के पास मैसेज आ जाएगा कि इस पशुपालक की ये ज़रूरत है। इसके अलावा हमने बीमा पशुओं का शुरू किया है, 100 रुपये में हम 5 प्रति पशु के हिसाब से 5 पशुओं तक का बीमा करते हैं हम। और हमने एनिमल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन और ब्रीड रेगुलेशन एक्ट पास किया है 2019 में। इसमें हर कीमती पशु के लिए जो है एक सर्टिफिकेट हम देते हैं, हर पशुपालक अपने हर पशु के लिए ले सकता है, जिसमें पशु की पूरी डिटेल है, तो कोई भी अगर वो आगे बेचना चाहता है या किसी को दिखाना चाहता है तो सब ऑथेंटिक डिटेल उसके पास रहेगी, ताकि वो अपने पशु के प्रति गर्व महसूस कर सके। तो ऐसे कई सारे हमने कदम लिए हैं जो कि जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे जो पशुपालक हैं उनकी आय जो है जल्दी ही दुगनी हो जाएगी और उनको बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। हमने पशु स्वास्थ्य कल्याण समिति बनाई है और पशुधन औषधि स्टोर बनाया है, तो हमारी कोई 2980 के करीब हमारी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज हैं, तो हर जगह एक पशुधन औषधि स्टोर बनाया है, ताकि पशुपालक को कभी रात को 12 बजे भी दवाई चाहिए हो तो पशु की दवाई वहाँ से मिल जाएगी और वो नॉमिनल से उसमें वो यूज़ कर सकता है, ताकि कोई पशु बिना दवा के ना मरे। तो ये सारा हमने प्रयास किया, हमारी टीम बहुत तगड़ी है और हम लोग लगे रहते हैं, ईश्वर की कृपा है कि काम अच्छा हो रहा है। जैसे सर आपने बताया कि 100 रुपया में 5 पशुओं का आप बीमा करते हैं, तो सर इस बीमा की क्या कुछ रकम तो रहती होगी कि अगर उसके पशु के साथ कोई हानि होती है तो उसे क्या मिलेगा? देखिए, 1.49% जो है टोटल हर पशु का खर्चा है, 100 रुपया फार्मर देता है, बाकी सरकार देती है। तो पशु की कीमत जो आंकी गई है उस हिसाब से, जो नेबार्ड के स्केल हैं उसके हिसाब से हमने उसका स्केल फिक्स किया है। तो जैसे भैंस के लिए 80,000 है, गाय के लिए 70,000 है, और भी महंगी भैंस है तो उसका और भी ज़्यादा है, तो कितना दूध देती है उसके हिसाब से जो नेबार्ड ने स्केल बनाया है उसके हिसाब से है। और जो छोटे पशु हैं जैसे भेड़ है, बकरी है, सुअर है, उनका सिर्फ 25 रुपये में 50 पशुओं तक का प्रति पशु सिर्फ 25 रुपये लेकर के हम बीमा करते हैं, ताकि फार्मर जो है वो सुकून से जी सके, ताकि उसके पशु सुरक्षित रह सकें। तो ये हमारा भाव है इसके पीछे। सर, अभी बरसात के समय गला घोंटू नामक बीमारी जो जिससे कि सबसे ज़्यादा पशुओं के साथ हानि होती है, तो क्या इस पर कुछ अभी हरियाणा में कुछ नया किया? मैंने आपको बताया कि HS प्लस FMD गलघोटू और HS का जो हम पहला स्टेट हैं पूरी कंट्री में जहां कंबाइंड टीका लग रहा है, और उस कंबाइंड टीके से पिछले पूरे साल में एक भी पशु नहीं मरा हमारा। ऐसा मतलब अच्छा लग रहा है, फार्मर बुला के टीका लगवा रहे हैं। हमारा सेकेंड राउंड हो गया, पहले राउंड में हमने 60 लाख टीके लगाए थे, सेकेंड राउंड में 50 लाख लग चुके हैं, अभी बछड़ियाँ जो हैं छोटी जो उनको लगाना है, तो बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है।